दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तकरीबन 9:30 बजने को है, कड़ाके की सर्दी है। अलाव तो आपने बहुत देखे होंगे, हम आजाद चौक पर है ललितपुर के, और यहाँ पे जुगाड़ वाला अलाव आपको हम दिखाएंगे। जुगाड़ वाला अलाव है, लोग भी खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कपड़े जला दिए गए हैं और वो जल रहे हैं और लोग ताप रहे हैं, क्योंकि लकड़ी की जो व्यवस्था होनी चाहिए संबंधित विभाग द्वारा वो नहीं की गई है। और आइए इन्हीं से कुछ और चर्चा है करते हैं। चुनावी माहौल गर्म है, विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है, तमाम लोग हमारे साथ हैं। भैया बताओ, क्या नाम? अपना नाम बता दो। आमिर। आमिर भाई सुनाओ, क्या हालचाल है? अलाव कैसा लग रहा हो जाता है? अब भैया ठंड पड़ रही है, उसके जरिए ताप रहे हैं चिंदी से। तुम लोगों ने जुगाड़ करी? हाँ, जुगाड़ किए, चिंदी होती है, चिंदी ढूंढ कर लाए और फिर इसको जलाया गया। अब इसी के द्वारा समझ लो, यहाँ अलाव हमेशा लगता है, ये यहाँ हर साल अलाव जलता है। इस कड़ाके की ठंड में अब किधर नहीं लगा? इस बार नहीं लगा सर। कुछ क्यों क्यों ऐसा क्यों सोतीलापन क्यों हो रहा है? तमाम जगह अलाव जल रहे, ये तो सब वो लोग जानते हैं कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, आखिर सौतेला व्यवहार क्यों? अच्छा भैया जो बताओ, सरकार को 4.5 साल हो गई, सरकार के कुछ अच्छे काम दिखाई दे तुम्हारा? जी सर, हमें तो एक भी नहीं आता अच्छा काम। एकाद कमी गिना दो फिर। अरे एकाद अच्छा नजर नहीं आता, कमी तो बहुत नजर आ रही है, बताओ। कमी तो इतनी है सर, सारी कमियां तो आप ही को मालूम है, हम लोग क्या बताएं? एकाद तो हमें बता दो। जो आपको मालूम है वो हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि आप हर जगह जाते हो। अच्छा महंगाई महंगाई पे क्या कहना है? महंगाई तो ऐसा है कि साहब कहने वाली बात नहीं है, सभी को मालूम है और सभी जानते हैं साहब। अरे आप तो बताओ, डीजल के भाव कहाँ है, पेट्रोल के भाव कहाँ है, आप हर सबको जानते हैं। हम क्या सर, किसी से ही पूछ लो आप। बताओ भाई, तो हमारे आमिर भाई खड़े हैं। आमिर भाई बताओ, क्या हाल चाल है? पेट्रोल डीजल के तनाव पे है, ज्यादा महंगाई है इस टाइम, इतनी महंगाई और सरकार में नहीं हुई, इस सरकार में जो महंगाई है। तो अच्छे दिन आए तुम्हारे, अच्छे दिन आ गए और क्या भाई साहब। सुनाओ खान साहब का हाल चाल। अरे अच्छे दिन तो जो तुम देख नहीं रहे, ये कपड़ा जल लिया, ये अच्छे दिन है अलाव वाले हमारा आजादपुरा के लोगों के साथ। जो कौन सा है जो भी ये क्या है, कि यहाँ इसलिए नहीं लग रहा है कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति रहते हैं। अच्छा समारा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा बहुत बड़ा गंभीर आरोप है भैया। अलाव आदमियों के बहाने यहाँ जानवर भी ताप लेते, वो भी बेचारे नहीं आ रहे, वो भी यहाँ वहाँ भाग रहे। पहले यहाँ पर क्या था कि यहाँ का यहाँ यहाँ अलाव जलता था लकड़ी का, तो यहाँ पर कम से कम 10-15 गाय बैल रहते थे यहाँ। अच्छा कुछ आपके लिए ललितपुर, चलो आगे की होगी बात, डेवलपमेंट में कुछ दिख रहा? यहाँ की सड़क की लगातार मांग हो रही थी, सड़क बन गई? देखे नहीं है आपने कितने गड्ढे हैं? आप सरकार है तो जो सरकार है बात तो हमने पास करा। अभी हम बात कर, हम बुराई करेंगे विपक्ष की हो, ऐसा कैसे जो हकीकत है वो बोलो। हकीकत का गड्ढा मुक्त हुई सरकार को कोनो काम तो अच्छा लगी हुई है तुम्हारा? नहीं, कोई काम अच्छा नहीं है। कांग्रेस के साथ काम अच्छा गिना दो सर। अरे आज जो आज खड़े हैं कांग्रेस की देन तो है। अच्छा जो 54 वाला निशान लगाए हो सब कांग्रेस को, कांग्रेस की देन है। और जो मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे, मोदी जी ने बनाई के हम लोग प्रचार करते थे कि नहीं करते? करते थे। और जब भी आप कोई निकलवाने जाओगे सर्टिफिकेट तो मोदी जी की फोटो आएगी, मतलब प्रचार की हद पार कर दी। भाई साहब सुनाओ का हाल चाल है? बढ़िया, ताप भी को मजा तो आ रहा है, ठंड भी जब कल भी ठंड पड़ा तो देखो ताप भी को मजा भी बड़ा कर रहा हूँ। हम लोग ललितपुर में बड़ा मजा आ रहा है, बताओ सुनाओ। मजा ले तो रहे बैठे बैठे देखो कछु, और सरकार के बारे में डिस्कस देखो कहो, जब ठंड में चुनाव भी चर्चा हुए तो मजा अच्छा आ। चुनाव क्या चुनाव, तो तुम खुद देख रहे सरगर्मी कैसी चल रही है। विधायक ने कछु करे है कि नहीं करे? नहीं विधायक योग्य है क्या? योग्य है, नियोग्य है। अगर बीजेपी को बीजेपी फिर से नया टिकट दे तो फिर क्या स्थिति हुई है? हारेंगे, बहुत बुरी तरह हारेंगे। प्रत्याशी बदल दें तो? हाँ तो जीत जाएंगे, तो जीत जाएंगे, और कोई नाराजगी नहीं है? अच्छा और कोई सपा वपा में कछु दिख रहा तुम्हें, और कोई पार्टी दिख रही तुम्हें? सपा हो चाहे भाजपा, सभी एक मतलब एक ही थाली की चटनी बटी, कांग्रेस ना सभी सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही ताली की थट्टी बट्टी। भाई साहब बताओ का नाम कछु तो बता। अच्छा सरकारी कर्मचारी बेचारे, तनख्वाह तो बढ़ गई सरकारी कर्मचारी, लेकिन बोला नहीं चाह रहे, बताओ भाई साहब। अरे क्या बताएं, कछु सुना दो भाई साहब, एक आध दर्द सुना दो दिल को। अब बहुत सा दर्द है दिल में, कहा है सरकार से यही है हमारी गुजारिश के जुगा सट्टा गुटका शराब मराब जी बंद की जाए। क्राइम क्राइम जो क्राइम है एक प्रकार का क्राइम, ये कह रहे गुंडागर्दी तो नई नई जनरेशन जो है ललितपुर में जुगा खेल लो, बहुत जुगा खेल लो, सट्टा खेल लो, पुलिस का खेल लो, अब सब सबको मालूम है कहा है
सब सारे सारे बता रहे, सबको मालूम है का है, सबको मालूम है का है। देखो क्या स्थिति है, ये है एक गौ माता जी है तापने के लिए आई है, जो आप रिपोर्ट जरूर डालना, एक गौ माता जी है तापने के लिए आई है। यहाँ पे जो अलाव लगता था पहले वो नहीं लगाया, जुगाड़ी अलाव जो है वो लगा है, मोहल्ला वासियों की तरफ से जलाया जा रहा है। ऐसी गौ माता तापने के लिए आई है, आप सोचिए जो अभी हमारे खान साहब आरोप लगा रहे थे कि सोतीला व्यवहार हो रहा है, गौ माता यहाँ तापने आती हैं, यहाँ के नेताओं को थोड़ा तो सब हो तो कम से कम अलाव तो लगा ही दें। तापने के लिए भी अगर सोतीला व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो मानसिकता में ऐसी चीज आ रही है जो लकड़ी नहीं दे पा रहे। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। नमस्कार।